Hello students, welcome to ESEP Science. So we have already discussed about Coulomb's law and quantization of first chapter. So we are left with the numericals of Coulomb law. So let's get started with it. Here is our first numerical. So let's get started with it. So in this we have told to do proton and electron. They're separated by distance 8 × 10⁻⁴ meter. So सबसे पहले वी हैव टू राइट गिवन है. वट इज गिवन? गिवन इज Q1, दैट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन. तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम इज द चार्ज. एंड इन Q2 इलेक्ट्रॉन इज गिवन, सो चार्ज इज रिमेनिंग सेम, दैट इज 10⁻¹⁹. एंड वट अबाउट द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज गिवन एज 8 × 10⁻¹⁴ मीटर. राइट, वी नीड टू कैलकुलेट F. So force of attraction we need to calculate. So simply 1/4πε₀ Q1 Q2 by r square. What is the value of 1/4πε₀? That is 9 × 10⁻⁹ multiply by 1.6 × 10⁻¹⁹ ka square divide by 8 × 10⁻⁴. Right, so after that 9 × 10⁻⁹. We are left with 2.56 × 10⁻³⁸, 8 × 10⁻⁴. So after this, just a simple calculation work you need to do. And in this, firstly, 9 × 10⁹ into 2.56 × 10⁻³⁸ divide by 64 × 10⁻²⁸. Right? You just need to cut it down by the table. Like 4, and you can cut it with 16, right? Any we can say that 1.6, and after that cut it again, that is 0.4 we are left with. So 9 × 10⁹ into 4.4 multiply by 10⁻⁻¹, right? 10⁻⁻¹. Now that will be 3.6 × 10⁻⁹, or we can simply say that it will come approximately 0.36 newton. This is our force, 0.36 newton. I hope you got it. So here's our second question, that two similar charges repel each other. Two charges hain wo apne aapas mein ek dusre ko repel kar rahe hain. ठीक है, रिपेल करने का मतलब क्या? एक दूसरे के दूर जा रहे हैं विद द फोर्स ऑफ 44.1 न्यूटन. तो इट मीन्स वी फर्स्टली इन एवरी न्यूमेरिकल यू हैव टू राइट गिवन पोर्शन सो दैट द न्यूमेरिकल विल बी इजी. जब आप गिवन लिख रहे थे आपका आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है. तो गिवन में द फोर्स इज हेयर, दैट इज 44.1 न्यूटन, राइट? एंड इट प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर अपार्ट. 2 सेंटीमीटर अपार्ट यानी 2 सेंटीमीटर दूरी पे पड़ा है. ठीक है, तो इट मीन्स द आर इज गिवन 2 सेंटीमीटर. लेकिन आपको पता है कि आपने सारा कुछ ऐसा यूनिट्स में लगाना है. ठीक है, तो अगर ऐसे यूनिट में लगाना है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो वी आर लेफ्ट विद 0.02 मीटर, या बोल सकते हैं 2 × 10⁻²⁻² मीटर. राइट, सो जस्ट पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर. कुछ नहीं करना इसमें. क्या करना है? एफ इज इक्वल्स टू 1/4πε₀ Q1 Q2 बाय आर स्केयर. बट उसने कहा है दो चार्जेस सिमिलर नेचर के हैं. अगर दो चार्जेस सिमिलर नेचर के हैं तो हमारे पास जो Q1 Q2 है वो Q के ही इक्वल हो जाएगा. सिंपल, राइट? तो F इज इक्वल्स टू 1/4πε₀ क्यू स्केयर डिवाइड बाय आर स्केयर. सो वी नो द वैल्यू ऑफ फोर्स 44.1, राइट? इफ वी नो द वैल्यू ऑफ फोर्स, तो वी नो द वैल्यू ऑफ दिस ऑल्सो. वी नीड टू फाइंड द क्यू हेयर. And R is already given, that is 2 × 10⁻²⁻² meter square. Clear? Fir 44.1 multiply 2 × 10⁻²⁻² divide by 9 × 10⁻⁹ Q square. Got it? उसके बाद अब हमने क्या करना है? Sorry, 2 का square आएगा ना,
उसके बाद हमने क्या करना, जस्ट सॉल्व इट. सिंपल कैलकुलेशन इज देयर. सॉल्व इट लाइक द वे, ऐसे 9 × 10⁻⁹ इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, राइट. सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट तो यू विल गेट 74 × 10⁵ हम यहाँ पे ले जाएंगे, मतलब इसका जो एक पॉइंट होगा उसको इधर ले जाएंगे और डिवाइड में आ जाएगा 9 × 10⁹. गॉट इट. देन आफ्टर वी विल डू, उसके बाद क्या करना है हमने, इनको जो सॉल्व करना है, डिवाइड करेंगे 9 को, डिवाइड करेंगे 764 के साथ, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 196 × 10⁻⁴. अब माइनस 5 है यहाँ पे और 9 ऊपर चला जाएगा तो इट विल लेफ्ट विद व्हाट, क्या बचेगा हमारे पास, 14, माइनस 14 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर दैट यू नो. अब सॉरी 19.6 आएगा ना, दैट वन पॉइंट इज ऑल्सो दैट. सॉरी अगर हाँ, यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट लगाने पे एक पावर कम हो जाएगी, तो 19.6 × 10⁻³ माइनस 13 क्यू स्क्वायर आ जाएगा, राइट. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब आपको पता ही है ऑलरेडी कि जो क्यू है, यहाँ पे जो क्यू है वो क्या है, 19.6 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली 1.4, राइट. और यहाँ पे जो 10⁻³ माइनस 13 है, दैट वी कैन अप्रोक्सीमेटली राइट माइनस 6, मतलब 12, और हमारे पास जो स्क्वायर है नियर बाय वो कौन सा है, 12 है, तो हम अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू ये लिख सकते हैं. So this is the value of the charge coulomb. I hope that you will get it. Okay, so the question number 3 is, the electrostatic force between two charges in a free space is given as 4 gram force. So this is a new notation maybe for you, that 5 gram force is given, find the distance between them. Firstly, let's get about the 5 gram force. 1 gram force, this is known as 1 gram force, not farad. Farad mein nahi jana hai, it's gram force. Theek hai? To jo 1 gram force hoti hai, that is equals to, hum isko convert karte hain in kilogram, multiply karte hain iske saath newton, yani ki value of g. 10⁸ or sometime it is given as 10. To aapne ye wali values jo hai, wo iske liye karni hai. Jaise for example, here is given as 5 gram, to it means aapne kya karna hai yahan pe, यहाँ पे आ जाएगा 0.005 मल्टीप्लाई 9.8. क्लियर, गॉट इट. उसके बाद आपको दे रखा है 200 माइक्रोकूलम एंड 500 माइक्रोकूलम इज अ चार्ज. सो गिवन में आपको दे रखा है फर्स्टली Q1 इज इक्वल्स टू 200 माइक्रोकूलम, और माइक्रो का मतलब क्या होता है आपको पता है ऑलरेडी, 10⁻⁶ होता है. और सेकेंड Q2 इज गिवन एज 500 माइक्रोकूलम, यानी कि 500 माइक्रोकूलम को वी कैन राइट इट एज 500 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ कूलम, राइट. और फोर्स इज गिवन कितनी, 5 GF, यानी कि वी कैन कन्वर्ट इट, ठीक है. तो 5 × 10⁻³ मिलीग्राम को अगर किलोग्राम में करेंगे, और 9.8 की जगह पे अगर हम विल टेक 10, यहाँ पे 10 ले रहे हैं राउंड ऑफ करके जी की वैल्यू, क्लियर. So that to make our calculation more easy. So after that, apply that formula again. F is equals to 1/4 πε₀ Q1 Q2 by R square. And we need to find the value of R. So R ko idhar le jaiye aur F ko niche le aiye. Simple Q1 Q2 by F. Right? So R square ki value we need to calculate 9 × 10⁹. और यहां पे क्या आ जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²⁻¹ एंड डिवाइड बाय 50 × 10⁻³⁻³. सिंपल वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 10 कैंसिल हो गया. सो जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन इज हेयर. तो यहां पे आपने मल्टीप्लाई किया इसको, सबसे पहले 10 की पावर्स को इकट्ठी कर लेते हैं. तो 10 की पावर को इकट्ठी करेंगे तो वी आर लेफ्ट विद, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 10⁻⁹ है और यहाँ पे 10⁻²⁻ है, तो वी आर लेफ्ट विद −3, ठीक है. और यहाँ पे 10⁻³ है और नीचे से −3 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, −3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, तो वी आर लेफ्ट विद 18, राइट. 1800 यानी 18,000 अप्रोक्सीमेटली, we are left with 18,000,
राइट. सो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, व्हेन यू विल टेक द स्क्वायर रूट ऑफ इट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर. वेरी इजी मेथड एंड आर शुड बी इन मीटर्स, रिमेम्बर इट. अगर आप नहीं भी निकाल पाते हो तो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन हेयर, यू कैन गेट फुल मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप दैट यू विल गेट इट एंड फाइंड द आंसर लाइक दिस एंड डोंट गेट कंफ्यूज विद 5GF और एनी अदर थिंग. मे बी 5GF की जगह पे KGF भी हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए वट एवर द फोर्स इज गिवन. इफ केजी में है सो आपने इसको कन्वर्ट किसी में नहीं करना, सिर्फ 9.8 और 10 जो जी की वैल्यू होगी उसको ही कन्वर्ट, वहां पे उसको मल्टीप्लाई कर देना जस्ट एज. अगर ग्राम दे रखा होगा तो आपको पता है कि आपको ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वहां पे यू विल चेंज द वैल्यू ऑफ इट. ठीक है स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. एट दिस वट इक्वल चार्ज would have to be placed, what equal charge would have to be placed on earth or moon to neutralize their gravitational attraction. कोई कौन सा चार्ज रखा जाए ताकि हम क्या कर रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज कर ले उसकी ग्रेविटेशन अट्रैक्शन को. सिंपल सी बात है कि वी नीड टू कम्पेयर आर चार्जेस विद द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. ठीक है सिंपल सी बात है, ये मास आपको दे रखा है अर्थ का भी और मून का भी. सो सिंपल बात है कि हमें क्या करना है न्यूट्रलाइज कर देना है और निकालना क्या है चार्जेस की वैल्यू निकालनी. जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर is equals to k q1 q2 by r square, right? So we can cancel r square with r square, so we are left with m1 m2 is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2. What equal charge? Equal charge means q1 and q2 is same thing, so g m1 m2 is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q square. सो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाते हैं. सो जी एम वन एम टू मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर. ठीक है अब जी की वैल्यू क्या है आपको पता ही है, 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11, 10 रेज टू पावर 25 एक मास, 10 रेज टू पावर 23 दूसरा मास, और डिवाइड किससे करेंगे 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 से इसको डिवाइड कर देंगे. ठीक है उसके बाद 10 रेज टू पावर्स को इकट्ठी कर लेते हैं, सो ये बन जाएगी हमारे पास क्या 48 माइनस 11 इंटू 6.67 डिवाइड बाय 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, यही बनेगा. उसके बाद हमारे पास 6.67 10 रेज टू पावर 48 माइनस 11 डिवाइड बाय 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर. वी लेफ्ट विद दिस थिंग. ठीक है अब 48 में से अगर वी आर डिक्रीजिंग 11 तो कितना आएगा, वी आर लेफ्ट विद ओनली 37 बचेगा और डिवाइड बाय 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9. तो अब सिंपल 9 जो 10 रेज टू पावर 9 है उसको भी ऊपर ले जाओ, 37 माइनस 9 हो जाएगा, कितना होता 37 माइनस 9, सो वी आर लेफ्ट विद 26. ठीक है तो 6.67 डिवाइड बाय 9 10 रेज टू पावर 26 क्यू स्क्वायर. सो इसको डिवाइड करेंगे तो 9 को डिवाइड करेंगे अगर 6.67 से तो क्या मिलेगा हमें, सो वी आर लेफ्ट विद ये किसके टेबल पे जाएगा, 9 9 जा तो आपके पास 81 होते हैं, 9 8 जा 72 होते हैं और 9 7 जा 63 होते हैं, सो इट विल गो विथ 7. ठीक है तो 7 आगे कितने पे जाएगा, 7 पॉइंट कितना हो जाएगा, या आप सिंपल बोल सकते हो कि 6 पॉइंट में है तो 0 पॉइंट में आएगा ना आंसर हमारा, तो या फिर आप इसको क्या करो कि 667 डिवाइड बाय 900 10 रेज टू पावर 26 के उसके, और ये जो दो जीरोस हैं इसको इधर ले जाओ तो 667 तो यहाँ पे आ जाएगा 10 रेज टू पावर 24 वेरी इजी. तो अब कैंसिल कर सकते हैं हम बहुत इजीली, तो ये आ जाएगा 7 पे गया तो 63 और 37 यानी कि हमारे पास क्या बचेगा 37 आया, 37 किस टेबल पे जाएगा 4 पे. ठीक है पॉइंट 2 समथिंग इतना ही आंसर आएगा आपके पास. सो उसके बाद कुछ नहीं करना, जस्ट टेक द स्क्वायर रूट ऑफ इट एंड यू विल फाइंड यूर आंसर इन मीटर्स, मीटर्स में यू विल फाइंड यूर आंसर. दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ डूइंग इट. सो हियर इज योर फिफ्थ क्वेश्चन कि दो बॉल्स हैं हमारे पास, दोनों के ऊपर चार्ज क्यू है, यानी दोनों बॉल्स हैं दोनों के ऊपर चार्ज क्यू है, इसको हमने एक जो है वो नॉन कंडक्टिंग स्प्रिंग के साथ बांध दिया है दोनों को
तो अगर एक ऐसा बांध दिया जिसकी लेंथ जो है वो हमारे पास कितनी है, एल है, तो हमने टेंशन निकालनी है। अब सिंपल सी बात है, अगर दोनों के पास चार्ज जो है वो प्लस क्यू है तो दे विल रिपेल, दोनों रिपेल करेंगी, तो जो इनकी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी वो हमारे पास उसके इक्वल होगी कि जितनी इसके ऊपर टेंशन लग रही है, मतलब जितनी इसके ऊपर फोर्स लग रही है, मतलब स्प्रिंग के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है वो इसकी फोर्स ऑफ रिपल्शन के इक्वल होगी। सो वी कैन से कि इन इक्विलिब्रियम, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम के केस में जो टेंशन होगी, सो टेंशन विल बी इक्वल्स टू, इसके इक्वल हो जाएगी टेंशन, फोर्स ऑफ रिपल्शन के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन के इक्वल हो जाएगी। और टेंशन को टी एफ जो भी वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, तो आप लिख सकते हो टी या एफ कुछ भी, तो दैट इज इक्वल्स टू सिंपल के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, वेयर आर इज गिवन एज वट, आर क्या दे रखा है, एल, लेंथ ही तो है, एल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और चार्जेस सेम है, सेम नेचर के हैं, तो के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, तो यही आपके पास टी या एफ की वैल्यू है टेंशन। सिंपल, आई थिंक यू गॉट इट, इस स्टेटमेंट को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर सिक्स, की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर जिसका चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम है, यहां से हमें पता लग गया कि दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स विल बी देयर, और फोर्स हमें कितनी दे रखी है 0.2 न्यूटन। फर्स्ट पार्ट में हमने निकालना है दोनों के बीच का डिस्टेंस, और सेकेंड पार्ट में हमने निकालना है कि फोर्स सेकेंड पे कितनी लग रही है फर्स्ट की वजह से। सो लेट्स कैलकुलेट द फर्स्ट पार्ट है, इसमें करने के लिए सबसे पहले गिवन लिखेंगे, तो गिवन में क्या दे रखा है, क्यू वन इज इक्वल टू 0.4 माइक्रोकूलम, क्यू टू इज गिवन एज -0.8 माइक्रोकूलम, बाकी तो आपको पता ही है, तो क्यू वन क्या आ जाएगा 0.4 इंटू 10^-6 कूलम, और क्यू टू आ जाएगा -0.8 इंटू 10^-6 कूलम, राइट। उसके बाद हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है, फर्स्टली क्या निकालनी है, फोर्स सेकेंड पे निकालनी है ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, है ना। तो सबसे पहले हमने निकालना है, हमारे पास दे क्या रखा है, हमें दे रखा है कि चार्ज इस चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे, यानी F12 इज गिवन, यानी इस चार्ज पे फोर्स दे रखी है ड्यू टू दिस चार्ज, तो यानी कि सिंपल सी बात है, फर्स्ट की वजह से सेकंड पे दे रखी है, तो मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड दे रखी है, तो इट मींस F12 इज ऑलरेडी गिवन टू यू, कितना है 0.2 न्यूटन, दैट इज द फोर्स। तो अगर हमारे पास F पता है, Q पता है, डिस्टेंस हमें निकालना है, तो वी कैन इजिली कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो इससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, कोई भी फॉर्मूला पुट कर दीजिए, तो F12 इज इक्वल्स टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो F12 कितना हो जाएगा 0.2 9 × 10^9 0.4 मैग्नीट्यूड लेंगे यहाँ पे, रिमेंबर इट, तो 10^-12, सो डिवीजन में आ जाएगा आपका आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को इधर ले जाइए, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 × 10^9 0.8 × 10^-12 / 0.2, इससे ये कैंसिल हो गया, वी लेफ्ट विथ 2, तो 18 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आंसर, वी आर लेफ्ट विथ आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालनी है हमने, तो हमारे पास तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद, वी विल लेफ्ट विद 1.44 हमारे पास आंसर आ जाएगा मीटर में। तो अगर आर की वैल्यू निकालनी है तो दैट इज सिंपल, इन शॉर्ट वी कैन से कि हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, (10^-2) भी आएगा, सो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 0.12 मीटर, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। और जो फोर्स फर्स्ट चार्ज पे है सेकेंड की वजह से, अगर ये अट्रैक्टिव है तो वही जो है आपके पास 2 के ऊपर भी होगी 1 की वजह से, ऑनली द साइन डिफरेंस विल बी देयर, सो दिस इज आवर सेकंड पार्ट, आई होप दैट यू विल गेट इट।